हेलो, कहाँ? घर पे? मना लिया उससे? नहीं, सो रही थी। तबीयत ठीक नहीं उसकी। तुम अकेले घर पे क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ पे। नहीं, मैं ठीक हूँ। फराज, बहुत बहुत गलत हुआ, मुझे डांट नहीं चाहिए था उसको। मुझे भी। मैंने सोचा था तुम्हारे बच्चे को अपना समझूंगी। बहुत बुरा हुआ। तुमने कितने प्लान्स बनाए होंगे ना, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने खुश हुए होंगे इस न्यूज़ सुन के। मेरा भी यही हाल था। मेरी भी हर खुशी इस बच्चे पे डिपेंडेंट थी। बल्कि हम तो बिजनेस भी इन्हीं बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे थे, है ना? चलो, हम एटलीस्ट एक दूसरे का दर्द तो महसूस कर सकते हैं ना। मतलब दिल बहुत दुखा है ना हमें, बदुआ तो निकली होगी तुम्हारे दिल से हमारे लिए। बदुआ? और मैं? तुम्हारी बीवी ने कहा था कि मैं ब्लैकमेल करती हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बदुआ देती हूँ। You are so mean. तुम हमेशा मेरा दिल तोड़ते हो। सॉरी। बहुत गर्व से गुजर रही है, मुझे डांट नहीं चाहिए था उसको। बहुत नाराज है, बहुत नाराज है मुझसे। जो किया उसने किया, नाराज वो तुमसे क्यों हो रही है? नाराज तुम्हें उससे होना चाहिए। मैंने तो उसे तुम्हारे लिए कभी भी कुछ करते हुए नहीं देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे वो। कैसे पता? मैंने तो हमेशा तुम्हें ही उसके लिए करते हुए देखा है। गाड़ी के आगे जान भी तुम ही दे रहे थे, याद आ गया? I'm sorry. मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये सब कुछ कह के। लेकिन तुम्हें अपना कुछ याद नहीं है, उल्टा तुम गिल्टी फील कर रहे हो। अपने साथ इंसाफ तो करो। दोबारा तलाक का नाम भी मत लेना प्लीज। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहां रह लोगी तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, हम तुम्हें यहां नहीं रख सकते। भाई आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं उनके साथ नहीं रह सकती। पर गलती भी तो तुम्हारी है ना स्नेहा, अगर वो कह रहा है कि गलत फहमी हुई है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं मान रही? वो सारी रात उसके साथ था, तब भी आप मुझे ये कह रहे? मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी जो फराज ऐसे करेगा, वरना वो ऐसा नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। नहीं, उसको मुझसे ज्यादा उस औरत पे भरोसा है। मैं बात करूंगा ना उससे, समझाऊंगा मैं उसको। नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, उसकी वजह से मेरा बच्चा चला गया। वो बच्चा उसका भी तो था ना स्नेहा, तुम उससे मिली नहीं, तुम्हें क्या पता वो कितना परेशान, और एक गलत फहमी की वजह से तुम उसको छोड़ने की बातें कर रही हो। तो क्या हो गया है, क्यों बहस कर रही हो? छोड़कर आए इसको, खुद ही लड़ लुड़ के ठीक हो जाएंगे, बाद में आके शरोज को भी ले जाना। स्नेहा, मेरा ख्याल है जुनैद ने बिल्कुल सही मशवरा दिया है तुम्हें। बेटा तुम्हारा घर है, इस तरह से तुम्हें छोड़ कर नहीं आना चाहिए था। जुनैद बेटा ले जाओ इसे वापस घर। अम्मी मैं वहां नहीं रह सकती। ये बात भी जाके उधर ही बोलना। जाए जाए, लेके जाए इसको, छोड़े वापस जाके प्लीज। किसे कॉल कर रही हूँ? मोना को कॉल कर रही हूँ, मुझे उसके घर जाना है। स्नेहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। उसने मुझे ब्लॉक कर रखा। उसने ब्लॉक कर दिया? अभी तलाक हुई नहीं और उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। सोचो तलाक होगी ना तो कोई भी तुम्हें से बात नहीं करेगा। भैया मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? स्नेहा तुम्हारी इसी जिद की वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं। अपनी अना को अपने पास रखो और जाके उससे माफी मांगो।
मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, उसी घर में तुम्हारी जन्नत है, समझी? ऑटो, ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर आप मेरे लिए नाश्ता बना सकते हैं तो मैं नहीं बना सकती। बेशर्म, शर्म नहीं आती? इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो मेरे शॉर्ट से? स्नेहा, तुम ठीक हो ना? स्नेहा, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इबादत करने जाती हो ना तुम तो उसके घर में, है ना? स्नेहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? बात करो ऐसी बातें जिसके बाद मैं इसे नजर भी ना मिला सकूं। अभी भी इसकी फिक्र है तुम्हें? पता है ना क्या क्या था ऐसे शर्त लगाई थी मुझसे कि कोई बर्थ भी पासा नहीं होता। मुबारक हो, शर्त जीत गई हो तुम। स्नेहा, खुदा का वास्ता स्नेहा, ऐसे मत कहो। बकवास करो कि मुझे ध्यान लगाऊंगी मैं, मार कर दूंगी वो तो फिर मार कर के सारा ले। स्नेहा, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया तुम? आप देख रहे हैं ना, इसने ऐसे ही किया था। कब किया था? झूठी स्नेहा, दो नंबर आ रहा। स्नेहा, बस करो, बस करो। स्नेहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाकई बहुत डिसेंट खातून है। शरीफ औरत दूसरों का मर्द नहीं बचाती। स्नेहा, बस करो, मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, नहीं है ऐसा। खाओ शेरों की कसम, खाओ खाओ। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? रखो अपना शौहर। तुम मुतन पहनती हो दूसरों की, मेरी जगह पे बैठ के नाश्ता करी हो। ये मेरी जगह थी। अच्छा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम रखो इसे। तुम्हें कोई मतलब नहीं मुझसे? हाँ। छोड़ना चाहती हो मुझे? हाँ। ठीक, जाओ छोड़ के तुम्हें, जाओ। तलाकनामा भिजवा देना। कितनी समय से तुम्हारे मुंह से लफ्ज निकलते हैं? जाओ मेरा बैग लेकर आओ, जाओ जाओ अभी मेरा बैग लेकर आओ। मुझे नहीं जाना अंदर, और बैठो जाके गप्पे मारो उसके साथ, जाओ। तुम भी ना तलाक अब लेके दो, मान जाओ तुम्हें मैं। हाँ सही है, देख लेंगे। ये चाहिए ना तुम्हें, ये चाहिए ना, लो लो।